हाथरस रेवेन्यू बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ संपन्न, जिसमें अध्यक्ष पद पर राकेश कुमार चौधरी ने विजय प्राप्त की। उपाध्यक्ष पद पर राजकुमार अग्नोत्री जीते। महासचिव पद पर वेद प्रकाश आर्य जीते। कोषाध्यक्ष पद पर मुकेश चंद जीते। सह सचिव पद पर दिनेश कुमार राजपूत ने विजय प्राप्त की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय शर्मा है। आज जो मतदान हुआ है, किस किस पदों पर मतदान हुआ और कितने कितने प्रतिशत से व्यक्ति जीती हैं चुनाव? रेवेन्यू बार एसोसिएशन 2022-23 का ये वार्षिक चुनाव था, जिसमें 5 पदों पर चुनाव हुआ था, जिसमें अध्यक्ष पद पर श्री राकेश चौधरी तथा मिथिलेश शर्मा तथा उपाध्यक्ष पद पर श्री रामजीलाल सुमन व राजकुमार अग्नोत्री, कोषाध्यक्ष पद पर मुकेश चंद तथा धीरेन्द्र बघेल और सह सचिव पद पर नरेश कुमार सिंह और राजकुमार दिनेश चंद राजपूत। इन 5 पदों पर चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर श्री राकेश चौधरी ने विजय हासिल की तथा उपाध्यक्ष पद पर श्री राजकुमार अग्नोत्री ने विजय हासिल की तथा कोषाध्यक्ष पद पर मुकेश चंद ने विजय हासिल की तथा सह सचिव पद पर श्री राज दिनेश चंद राजपूत ने विजय हासिल की। महासचिव पद पर श्री वेद प्रकाश आर्य ने विजय श्री हासिल की। अध्यक्ष पद पर कितने वोटों से विजय हासिल की? अध्यक्ष पद पर 1 मत से श्री राजकुमार वो राकेश कुमार चौधरी ने विजय हासिल की है। कुल कितना मत पड़ा है? हमारे यहाँ 78 वोट थे, 78 वोट में से 75 वोटों पर मत हुआ है, मतदान हुआ है। कितना राकेश चौधरी को कितना वोट मिला है? राकेश चौधरी को 38 वोट मिले हैं तथा मिथिलेश शर्मा को 37 वोट।